मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में एक भाजपा नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ ने एक आदिवासी की जमीन को हड़प लिया। जमीन हड़पने के लिए भूमाफियाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से रतिया कौल आदिवासी को मृत घोषित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जानकारी मिलते ही धोखाधड़ी की इस वारदात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था और कहा था कि वे पीड़ित आदिवासी से मिलने विजय राघवगढ़ जाएंगे। उसके बाद गत दिवस वे कटनी दौरे के दौरान विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम कलहरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित बुजुर्ग आदिवासी रतिया कौल व उनके परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सीएम ने पीड़ित आदिवासी को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर लड़ाई लड़कर भूमाफियाओं से जमीन वापस दिलाने का प्रयास करेगी।